Hello students, welcome you all to my digital class. Here I am going to explain the questions and answers of the very first chapter of first flight. The name of the chapter is A Letter to God. Now let me explain the very short types of questions and answers. What did Lencho hope for? लेंचो क्या आशा किए थे? इट मीन्स एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन हिज क्रॉप्स वी स्टार्टेड टू ग्रो अप, मीन्स जब फसल कटने मतलब कटने का टाइम आ गया था, उन्होंने क्या आशा किए थे उस समय? लेंचो होप्ड फॉर रेन एज द ओनली थिंग हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज ए शावर. मतलब लेंचो आशा किए थे बारिश के लिए. As the only thing his field of ripe corn needed was a shower. उस समय जो उसका जो पका हुआ फसल को सबसे ज़रूरत क्या था? ना हल्का सा बारिश. Shower, shower means हल्का सा बारिश. Now next question. Why did Lencho say that the raindrops were like new coins? Lencho क्यों कहे थे जो रेनड्रॉप्स था वो न्यू कॉइन जैसे. कॉइन्स मीन्स यू नो कॉइन मनी. न्यू कॉइन जैसे क्यों कहते हैं? लेंचोज क्रॉप्स वेयर रेडी फॉर हार्वेस्ट. लेंचो का जो फसल था वो काटने का कगार में आ गया था, मतलब पक चुके थे. एज रेनड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट. जैसे जो फसल जब एकदम पकने जैसे होता है उस समय क्या होता है, हल्का सा बारिश हो जाता है तो क्या होता है ना फसल और भी परिपक्व होता है. तो उसी जैसे रेनड्रॉप फसल को हेल्प कर सकते थे और भी अच्छा होने के लिए. रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जो उनको और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दे सकते थे और भी ज़्यादा उन्नति दे सकते थे. सो लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स. इसलिए लेंचो क्या था, रेनड्रॉप्स जो था उनका न्यू कॉइन के साथ कंपेयर किए थे. जैसे कॉइन या मनी क्या कर सकते हैं, हम लोग जो प्रॉस्पेरिटी है वो ले सकते हैं, ऐसे ही रेनड्रॉप्स भी उनके लिए प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं. जैसे रेनड्रॉप आए तो उसका क्या, उसका जो फसल है और भी ज़्यादा अच्छा होगा. इसलिए उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे, उन्होंने इसमें कहे थे जो रेनड्रॉप्स जो धीरे 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 जो आ रहा था उसके नया कॉइन के साथ कंपेयर किए थे उन्होंने. How did rain change what happened to Lencho's field? Rain जो था, बारिश जो था वो कैसे चेंज हुआ था? What happened to Lencho's field? Lencho का जो फील्ड था उसका क्या हुआ था? Answer: The rain was pouring down. बारिश जो होता है वो pouring down मतलब धीरे 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 आ रहा था. But suddenly a strong wind began to blow. अचानक क्या हुआ ना, तेज़ी से हवा बहने लगा था. एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल अलोंग विद द रेन. बारिश के साथ साथ क्या हुआ ना, हेलस्टोन्स बर्फ वो भी क्या हुआ ना गिरने लगा था. ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड. लेंचो का जो फील्ड था उसका पूरा फसल क्या हुआ था, बर्बाद हो गया था. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब बर्फबारी ख़त्म हो चुका था तब उन्होंने क्या फील किए थे? Answer: After the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. जब बर्फ ख़त्म हो चुका, बारिश और hailstones जब कंप्लीट हो चुके थे तब उसके क्या था, जो दिल जो था वो कम्प्लीटली दुखी हो चुके थे. He could see a bleak future फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. वो अपने जो फैमिली था और अपने लिए जो फ्यूचर दिख रहा था वो बहुत ही अंधेरा. ब्लिक मीन्स ग्लूमी, एक ग्लूमी अंधेरा जैसे फ्यूचर को दिख रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था. ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड इन द कमिंग ईयर. और क्या वरीड, किस बारे में वरीड थे, चिंतित थे, जो कमिंग ईयर जो आ रहा है, आने वाला जो ईयर है उसमें शायद उनका क्या है ना, खाना का कमी आ जाए. लैक मीन्स कमी, जो खाने के ज़्यादा जो फूड होता है, जो फूड ऑलरेडी उसका जो फसल ख़त्म हो चुके थे
तो जो फसल खेती बाड़ी करके इसका ज़िंदगी चलता था, फसल ख़त्म हो चुका है, मतलब तो आगे जो आने वाला समय है वो कैसे जाएगा, उसको बिना के भूख में मरना पड़ेगा। ये उन्होंने इस बारे में उन्होंने ओरेट दी। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो, लेंचो का विश्वास कौन या किसके प्रति था? व्हाट डिड ही डू, क्या किए थे उन्होंने? लिंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लिंचो का भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास था। ही बिलीव दैट, विश्वास करते थे जो गॉड्स आइज, भगवान का जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, हर चीज़ को, भगवान का जो आंखें हैं हर एक चीज़ को देख सकते हैं, इवन जो हम लोग का अंदर क्या चल रहा है वो भी देख सकते थे। ये विश्वास लिंचो का था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट, इसलिए क्या था, उनने भगवान के लिए एक चिट्ठी लिखा था, जो क्या कहे थे उसमें, ही नीडेड ए 100 पीसेस टू सो हिज फील्ड अगेन। इसमें क्या लिखे थे, उनका ज़रूरत था क्या 100 पीसेस, पीसेस मीन्स आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले ही बताया था, पीसेस इज अ काइंड ऑफ स्पेनिश करेंसी, स्पेन का जो करेंसी है उसको पेसो कहते हैं। तो उनका फसल ख़त्म हो चुका था, भगवान के प्रति कंप्लीट विश्वास था, इसलिए उन्होंने क्या किया था ना, भगवान के लिए, गॉड के लिए एक चिट्ठी लिखा था और उसमें उन्होंने मेंशन किया था उसके 100 पीसेस ज़रूरत है, क्या करने के लिए ना, सो, सो मीन्स यू नो, सो मीन्स टू कल्टिवेट वंस अगेन, मतलब फिर बपाई, बपाई होता है जो खेत को हम लोग फिर रोपते हैं, उस करने के लिए, वो करने के लिए क्या था, उन्होंने 100 पीसेस मांगा था भगवान से। हु रेड द लेटर, कौन चिट्ठी को पढ़ा था? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़े थे। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर क्या किए थे देन, मतलब चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किए थे? द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पहले जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी थी क्या किए थे, उन्होंने हंसे थे। बट एज ही रेड द लेटर, जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ा है मतलब कंप्लीट जब किया है, तब क्या हुआ, ही बिकेम सीरियस, उन्होंने सीरियस हो चुके थे। He was deeply moved by the farmer's faith in God. जो उस फार्मर का मीन्स लेंचो का जो भगवान के प्रति इतना विश्वास, ये देख के उन्होंने विचलित हो चुके थे। He did not want to shake his faith. उन्होंने did not want, उन्होंने चाहा नहीं कि उनका जो विश्वास, मतलब लेंचो का जो विश्वास था वो किस तरह से सेक हो, मतलब किस तरह से चोट पहुँचे, ठेस पहुँचे उसमें। So he decided to collect the money and send it to लेंचो. तो उन्होंने क्या सोचे थे ना, उन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट करे और लेंचो के लिए भेजा जाए। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुए थे, आश्चर्यचकित हुए थे जब एक चिट्ठी पाए थे जिसमें पैसा था वो देख के? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इन साइड इट। लेंचो सरप्राइज नहीं हुए थे, एक चिट्ठी जो भगवान भगवान से आया है और उसके अंदर पैसा है वो देख के उन्हें कोई विचलित नहीं हुए थे। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट, उनका कॉन्फिडेंस और विश्वास भगवान के प्रति इतना ज़्यादा था, दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, एक्सप्लेन किए थे क्या ना, भगवान ऐसा किए थे भगवान उसको क्या करेंगे ना, रिप्लाई करेंगे। वट मेड हिम एंग्री, क्या उनको गुस्सा दिलाया था, वट मेड हिम एंग्री, आंसर, व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग द मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, जब उन्होंने चिट्ठी पाया उसको फाड़ के जब देखा पैसा, जब काउंट करके देखा तब क्या किया ना, देखा सिर्फ 70 पीसेस है, मतलब उन्होंने कितना डिमांड किए थे 100 पीसेस डिमांड किए थे, लेकिन 70 पीसेस उसके अंदर है। बट ही हैड डिमांडेड ए 100 पीसेस, उन्होंने 100 पीसेस डिमांड किए थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, उनका पूरा कॉन्फिडेंट था गॉड कभी भी नाइदर मेक ए मिस्टेक, कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और क्या ना, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है उसको भी डिनाई, डिनाई मीन्स क्या था ना, उसको नकार नहीं सकते। देयरफॉर ही कंक्लूडेड, इस कंक्लूजन में पहुँचे थे दैट
the post office employees must have taken the remaining 30 pieces. लास्ट में क्या कंक्लूजन में पहुंचे थे, जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ था शायद उन लोगों ने 30 पीसेस जो था वो शायद ले चुके थे. नाउ लेट मी एक्सप्लेन थिंक एंड आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो. क्यों लेंचो के लिए पोस्ट मास्टर पैसा भेजे थे. व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. क्यों लेटर में गॉड का साइन क्यों किए थे. पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लिंचस कंप्लीट फेथ इन गॉड. पोस्टमास्टर जो थे कंप्लीटली मूव्ड हो चुके थे, जो लिंचो का जो विश्वास था भगवान के प्रति वो देख के कंप्लीटली मूव हो चुके थे. सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लिंचो. उन्होंने क्या सोचे थे, लिंचो के लिए पैसा भेजने के लिए उन्होंने डिसाइड किए थे. मोर ओवर the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God. Lencho ka jo vishwas tha bhagwan ke prati usko koi chot pahunchana thes pahunchana nahi chahte the. So he signed the letter God. Isliye kya tha, us letter mein God ka sign kiye the. It was a good ploy to convey a message that God had himself written the letter. Ye ek acha ploy, ek acha trick the. Trick, ploy means trick. एक अच्छा एक ट्रिक थे जो प्रूफ कर सके क्या वो जो चिट्ठी था वो गॉड ही खुद लेके है. मतलब लिंचो को ये विश्वास दिलाना चाहते थे जो ये जो चिट्ठी है, ये जो पैसा है वो किसके तरफ से आया है, वो गॉड खुद अपने साइन करके इनके लिए भेजे हैं. डिड लिंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. व्हाई नॉट. क्या लिंचो ट्राई किए थे ढूंढने का जो कौन उसको पैसा भेजे है. अगर यस तो व्हाई, अगर नो तो क्यों नहीं. नो लिंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. लिंचो कोशिश नहीं किए थे ये देखने के लिए कौन उसको पैसा भेजे है. दिस वॉज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड. क्या क्यों, क्योंकि उनका एक बड़ा कॉन्फिडेंस था भगवान के प्रति. And never suspected that, कभी उन्होंने ये suspect नहीं किया था, it could be someone else other than God who would send him the money. कभी suspect नहीं किया था जो ये God नहीं किसी दूसरे को ही उनको पैसा भेज सकते. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him money. मतलब उनका जो भगवान के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास थे, उन्होंने ये विश्वास एकदम पक्का कर लिए थे जो पैसा जो है वो खुद भगवान खुद गॉड ही भेजे. हु डज लिंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. उनका जो रेस्ट ऑफ द मनी मतलब 70 पीसेस पाए थे, मतलब 30 पीसेस जो रेस्ट ऑफ द मनी था वो क्या सोचे थे, जो कौन इसका उनका मनी ले लिए थे. व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन. ये जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन का आयरनी क्या है. नाउ व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी क्या है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं. सिचुएशनल आयरनी किसको कहते हैं ना. द आयरनी ऑफ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट. मतलब सिचुएशन का जो आयरनी होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड साइड होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. इस कुछ घटना को उस सिचुएशनल आयरनी कहते हैं. एन आयरनी सिचुएशन, आयरनिक सिचुएशन is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. मतलब ये जो situational irony है वो बहुत ही अनोखा होता है, क्योंकि जो expect कहते हैं exactly उसका opposite होता है. Now I will look at the answer. Lincho thinks that the post office employees have taken the money. Lincho क्या सोचे थे, जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ था उन लोगों ने क्या था उनका पैसा ले लिए थे. पार्ट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ था. इट वाज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लिंचो. मतलब रियलिटी में क्या हुआ था ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय था जिन्होंने क्या था ना पैसा भेजे थे. बट ऑन द अदर हैंड लिंचो थिंक्स दैट, और दूसरे लिंचो क्या था, क्या सोचे थे, they have stolen his money. क्या था ना, उन लोगों ने उनका पैसा क्या था ना चुरा लिए थे. he calls them crooks. उन्होंने क्या किए थे,
उन लोगों को क्या कहते ना, बदमाश, क्रूक्स, चीटर, स्विंडलर, ये कहते. क्रूक्स मीन्स स्विंडलर. दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन. और इसी सिचुएशन में आयरनी छुपा हुआ है. मतलब आप समझ गए हैं आयरनी क्या है. मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो पोस्टमैन थे वही खुद पैसा इकट्ठा करके दिए हैं, लेकिन एट द एंड क्या लेंचो क्या सोचा, नहीं 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 पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वही लोग उनका पैसा क्या था ना चुरा लिया. इट इज़ कॉल्ड द सिचुएशनल आयरनी. नाउ इट्स द एंड. थैंक यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द answers. If there is any problem, you must consult and you must talk to me. Okay, thank you and have a nice day.